हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल का पार्ट टू। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की आधी कहानी हम लोग पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर वेल ही बिगिन। अब इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आइंस्टीन हैं वो अपनी नर्वस ब्रेकडाउन के लिए, बात करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो पूरा दिन सोचते रहते हैं कि वो डॉक्टर से क्या बात करेंगे। और जब वो उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर वील, आई डोंट नो, मुझे वास्तव में नहीं पता है कि मैं अपनी परेशानियों का उल्लेख आपसे किस प्रकार करूं। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। अब डॉक्टर ने कहा डोंट ट्राई कि रहने दो, प्रयत्न मत करो। किसने कहा? सेड द यंग डॉक्टर विद फ्रेंडली स्माइल, जो यंग डॉक्टर यानी कि नवयुवक डॉक्टर जो थे, उन्होंने फ्रेंडली मित्रवत मुस्कान के साथ ने कहा कि तो प्रयास भी मत करो, क्योंकि यूरी ने मुझे तुम्हारी परेशानी की कहानी जो है वो पहले ही सुना दी है। ओह, व्हाट डिड ही से, ओह उसने क्या बताया? Only that you want me to think you had a nervous breakdown and say that you must not go back to the school. यही कि तुम चाहते हो कि मैं सोच लूँ कि तुम nervous breakdown का शिकार हो और मैं ये कह दूँ कि तुम उस school में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उस school में नहीं जाना चाहिए। Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. वो कहते हैं ओ डियर, एल्बर्ट का जो चेहरा था वो फेस फेल, मतलब गिर गया, वो उदास हो गए कि उसे आपको ये नहीं बताना चाहिए था। व्हाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। तो डॉक्टर ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताना चाहिए था, तो क्या ये सच नहीं है? यस, दैट इज द ट्रबल। नाउ यू विल सी There's nothing wrong with me and you will tell me go to back to school. तो एल्बर्ट ने कहा हाँ यही परेशानी है, लेकिन अब क्या होगा, अब आप मुझसे कहोगे कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और तुम दोबारा मुझे उसी स्कूल में जाने की बात कहोगे। Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. अब डॉक्टर ने कहा डोंट बी श्योर अबाउट ऑफ दैट, कि इसके बारे में इतना अधिक श्योर मत हो, कि मतलब इतना अधिक श्योर मत हो कि मैं यही बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ठीक, कि तुम बिल्कुल ठीक हो, सेड डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि वास्तव में बात ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच ये है कि मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि तुम उस स्कूल के बारे में वास्तव में नर्वस स्टेट में हो। But I haven't told you anything about it, said Albert. Wide-eyed, how can you know that? अब एल्बर्ट ने कहा लेकिन इसके बारे में तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। और एल्बर्ट ने अपनी आँखों को चौड़ा करते हुए आश्चर्य से कि इनको कैसे पता, तो उन्होंने कहा आप इस बारे में कैसे जान सकते हो? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. तो डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर तुम वाकई में नर्वस ब्रेकडाउन के करीब नहीं होते, तुम वास्तव में इतना डिप्रेशन में नहीं होते, तो इस विषय में मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आते। यही कारण है जिससे मुझे पता चला। Now, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? अब डॉक्टर ने पूछा, एकदम से उन्होंने तुरंत बोला कि अगर मैं ये कह दूँ, कि ये प्रमाणित कर दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम कुछ समय तक तुम स्कूल में नहीं जाना है, तो तुम क्या करोगे? I will go to Italy, said Albert. To Milan, where my parents are. तो एल्बर्ट ने क्या बोला? I will go to Italy. मैं इटली चला जाऊँगा। इटली में कहाँ पे? मिलान में, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। And what will you do there? फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम वहाँ पर क्या करोगे? I'll try to get into an Italian college or institute. तो फिर उन्होंने कहा कि मैं
वहाँ पर इटली के किसी महाविद्यालय या संस्थान में प्रवेश लेने का प्रयास करूँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि बिना डिप्लोमा के, यानी कि यहाँ से बिना कोई डिप्लोमा लिए, तुम कैसे वहाँ पर ये कर पाओगे? मतलब कैसे तुम्हें किसी भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में प्रवेश कैसे मिलेगा जब तक तुम्हारे पास डिप्लोमा नहीं होगा? इस पर क्या आंसर कर रहे हैं एल्बर्ट? आई विल आस्क माय मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माय वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दैट दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर व्हील लुक इट डाउटफुल। तो इस पर उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने गणित के जो अध्यापक हैं उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि मेरे जो काम के बारे में या मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में मुझे एक प्रमाण पत्र दे दें, जिससे और ये मेरे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि स्कूल में जितना गणित सिखाया जाता है वह मैंने सीख लिया है, बल्कि एंड विट मोर, उससे कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वी लुक इट डाउटफुल, वह बोलते गए आइंस्टीन, और जबकि उस समय जो डॉक्टर व्हील हैं वो थोड़े से डाउटफुल संशयुक्त दिखाई दे रहे थे या दिखाई पड़े, यानी कि वो सोच रहे थे क्या वास्तव में उन्होंने मैथ सीख लिया है। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। तो डॉक्टर ने बोला वेल चल ठीक है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। वो बोले मुझे संशय है कि यह कारगर होगा भी नहीं होगा, कि ये जो हम सर्टिफिकेट तुम्हें दे देंगे और तुम स्कूल से चले जाओगे तो इसका कुछ काम होगा भी तुम्हारा कि नहीं होगा, लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ या मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ ठहर कर ना तो अपना फ़ायदा करोगे ना ही किसी और व्यक्ति का, यानी कि तुम्हारे यहाँ रुकने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वुड 6 months बी ऑल राइट? फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कितने दिनों का स्कूल से विश्राम दिला दूं, क्या 6 महीने का समय पर्याप्त रहेगा? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, क्या एल्बर्ट ने कहा कि ये आपकी बहुत कृपा होगी, यानी कि 6 months का टाइम जो है वो काफी है। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बींग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील, हियर यू आर। डॉक्टर व्हील handed him the certificate and the best of luck. और उन्होंने कहा कि डॉक्टर बोले कि अरे ये कुछ भी नहीं है, मैंने अभी अपना जो विद्यार्थी जीवन है उसको समाप्त किया है, यानी कि जैसा यूरी ने बताया था कि उन्होंने अभी अभी पिछले सप्ताह ही उन्होंने अपनी डॉक्टरी की डिग्री कंप्लीट की है, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और फिर डॉक्टर ने हियर यू आर, और उन्होंने क्या किया, फिर डॉक्टर व्हील ने उन्हें एल्बर्ट को वो सर्टिफिकेट दे दिया और उससे कहा बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच, कितनी, नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। अब ये हाउ मच, कितनी, ये क्या है, कितनी धनराशि, यानी कि यहाँ पर एल्बर्ट जो हैं वो डॉक्टर से उनकी फीस के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं कितनी फीस दूं। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, यदि तुम्हारे पास, इफ यू हैव एनीथिंग स्पेयर, कि अगर तुम्हारे पास अतिरिक्त धनराशि है तो यूरी को भोजन पर आमंत्रित कर देना, वह मेरा अच्छा मित्र है और मेरे विचार से तुम्हारा भी। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। अब एल्बर्ट के पास में वास्तव में कोई एक्स्ट्रा मनी तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया, मीन्स ऐसा दिखाया जैसे उनके पास अतिरिक्त पैसा है, और वो यूरी को खाने पर ले गए। Isn't it wonderful? He said after showing यूरी the certificate. अब उन्होंने यूरी को वो सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा कि क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, 6 months इज अ गुड पीरियड, दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट
comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो उन्होंने क्या कहा यूरिन का, हाँ इट्स फाइन, अच्छी बात है, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि 6 माह की जो अवधि होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और इस प्रकार तुम स्कूल नहीं छोड़ोगे वास्तव में, यानी कि 6 महीने के लिए डॉक्टर ने तुमको आराम करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने स्कूल छोड़ दिया है, और यदि इससे भी बुरी स्थिति बने, यानी कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ एडमिशन नहीं मिले या कुछ और भी खराब परिस्थितियाँ सामने आ जाएँ, तो तुम यहाँ पर वापस लौट कर आ सकते हो 6 महीने बाद में और अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हो. आई नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. तो एल्बर्ट ने कहा कि मैं इस स्थान पर कभी भी वापस नहीं आऊँगा और मैं इस प्रमाण पत्र को कल हेडमास्टर को या जो हेड टीचर हैं उनको मैं दे दूंगा जाके, और वहीं इन सारी चीज़ों का अंत होगा, यानी कि मैं यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आऊँगा. डोंट फॉरगेट टू गेट द रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. लेकिन जो यूरी हैं उन्होंने उनको याद दिलाया कि ये जो आप जो लेटर उनको दोगे जाके अपने टीचर को मेडिकल सर्टिफिकेट, उससे पहले अपने गणित के अध्यापक से लिखित रूप से ले लेना, रेफरेंस ले लेना, कहाँ के लिए जो उन्होंने बात की थी कि मैं उनसे लिखवा लूँगा कि मैं गणित में अच्छा हूँ, और उस बेस पर मुझे इटली के किसी महाविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा. मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. अब मिस्टर कोच जो हैं ये कौन है, ये गणित के टीचर हैं, इन्होंने एल्बर्ट को उसका चाहा हुआ जो सर्टिफिकेट था, जो रेफरेंस वो चाह रहे थे प्रमाण पत्र, विलिंगली यानी कि रजामंदी से दे दिया. मींस एल्बर्ट को उनसे कोई बहुत ज़्यादा कहने सुनने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी, वो एल्बर्ट जैसा चाहते थे वैसा प्रमाण पत्र बनाकर उन्होंने दे दिया. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एनी प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड. और उन्होंने साथ में क्या बोला कि वो सर्टिफिकेट बनाने से पहले, कि यदि मैं ऐसा कहूँ कि अब मैं तुम्हें और ज़्यादा पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ और बहुत संभव ये है कि कुछ समय बाद तुम मुझे पढ़ाने योग्य हो जाओ, तो क्या यह कहना ठीक रहेगा, उन्होंने पूछा. दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर. इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली. तो अब जो टीचर थे उन्होंने कहा कि श्रीमान जी सच बात तो यही है, परंतु ठीक है मैं इस और अधिक इसे गंभीर रूप से देखता हूँ. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. और उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर जो कोच हैं उन्होंने इतना ज़्यादा तो फिर नहीं बढ़ा के बोला कि तुम मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही शानदार रेफरेंस दिया. क्या कहा उन्होंने कि जो एल्बर्ट हैं वो उच्च गणितीय शिक्षा प्राप्ति हेतु तत्काल किसी महाविद्यालय या संस्थान में अध्ययन करने के लिए तैयार हैं, यानी कि उनको इतना मैथ आता है कि उनको किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सके, किसके लिए, स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के लिए, इस काबिल एल्बर्ट हैं. आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड. और उन्होंने मैथ के टीचर ने क्या बोला कि मुझे अफसोस है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हालांकि तुम मेरी कक्षा में अपना समय ही नष्ट कर रहे हो. मीन्स हमें इस बात का दुख है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ रहना भी फ़ायदेमंद नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट. बट ना हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर. तो एल्बर्ट ने क्या कहा कि यही एक ऐसी कक्षा है यानी कि मैथ की जिसमें मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ. मीन्स एल्बर्ट को मैथ अच्छा लगता था, तो उन्होंने कहा कि यही एक कक्षा है जिसमें मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ. लेकिन आपको कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी
फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं जा रहे होते तो तुम मुझे ये रेफरेंस देने के लिए क्यों कहते. आई थॉट यू हैड वंडर, मैं सोच रहा था आपको आश्चर्य होगा, ये आइंस्टीन ने बोला. देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. तो जो टीचर थे उन्होंने कहा देयर इज़ नथिंग वंडर अबाउट आइंस्टीन, कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है आइंस्टीन, क्योंकि मैं ये जानता था, मैं पहले से ये जानता था कि तुम इस स्कूल को छोड़ के जाओगे, बल्कि तुम्हें ये बात पता चली तुमसे पहले भी मैं ये जानता था कि तुम ये स्कूल छोड़ने वाले हो. एल्बर्ट वॉज पजल्ड, वॉट डिड द टीचर मीन. अब एल्बर्ट जो थे वो घबरा गए कि टीचर के कहने का क्या मतलब है, मीन्स इनको कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़ने वाला हूँ. He soon found out, before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. अब क्या हुआ, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया एल्बर्ट को कि पूरा मामला क्या है, और इससे पहले कि वो हेड टीचर जो हैं उनसे मिलने की अनुमति मांगे, उससे पहले ही उनको उनके रूम में, हेड टीचर जो हैं उनके रूम में एल्बर्ट को बुला लिया गया. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. अब आइंस्टीन ने सोचा कि मैं जो उनसे मिलने के लिए समय मांगता उससे पहले ही ये जो मुझे वहाँ बुला लिया गया उनके रूम में, तो ये अच्छा ही है, और इससे क्या होगा कि मुझे उनसे मिलने के लिए जो एक घंटे या दो घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती उससे मैं बच जाऊँगा. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. अब वो इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे थे कि उनको क्यों बुलाया गया था, लेकिन उन्हें ऐसा सपोज कर रहे थे, बट वेगली सपोज कि ऐसा सोच रहे थे वो कि उनको फिर से उनके किसी बैड वर्क, किसी खराब काम के लिए या उनके आलस के लिए दंड देने के लिए बुलाया गया होगा. वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, लेकिन ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब उनका इस जो पनिशमेंट्स जो स्कूल में मिलती थी, सजा जो भी दंड उन्हें मिलते थे, उससे अब उन्हें छुटकारा मिल जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज. एल्बर्ट को सरप्राइज, चकित कर देने की अंदाज में या चकित कर देने के लिए हेड टीचर ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, कि मैं तुम्हें दंड देने वाला नहीं हूँ. योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टीन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. क्या कहा कि तुम्हारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल है, भयानक है, और मैं तुम्हें और अधिक स्कूल में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ आइंस्टीन, मैं चाहता हूँ कि अब तुम स्कूल को छोड़ जाओ. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड. और एल्बर्ट ने एकदम चकित होकर बोला अब मैं स्कूल को छोड़ जाऊँ, यानी कि उन्होंने अपने हेडमास्टर के जो वर्ड्स थे उनको रिपीट करके बोला, क्या स्कूल को छोड़ जाऊँ. चकित होकर बोला दैट इज़ वॉट आई सेड, हाँ यही मैंने कहा है. यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. एल्बर्ट ने कहा कि आपका आशय है कि मैं मुझे निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि स्कूल से निकाल दिया गया है. यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टीन. तो टीचर ने बोला कि आइंस्टीन अगर तुम ऐसा समझते हो तो ऐसा ही समझ लो. द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू to go of your own accord and then the question won't arise. अब उन्होंने जो हेड टीचर थे, मुख्य अध्यापक, उन्होंने गोलमोल बातें वो नहीं करे, मिंसिंग वर्ड मीन होता है ऐसे घुमा फिरा के बात करना, गोलमोल बातें करना, तो वो गोलमोल बातें नहीं कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ही सिंपल बोला कि द सिंपल थिंग्स विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि तुम अपनी इच्छा से चले जाओ, तो फिर इसका क्वेश्चन ही नहीं उठेगा. किसका क्वेश्चन, कि निष्कासन का, कि तुमको निकाला गया, मीन्स तुम अपने मन से ही स्कूल को छोड़कर चले जाओ. बट सेड एल्बर्ट, वॉट क्राइम आई हैव आई कमिटेड,
एल्बर्ट ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है? तो टीचर बोल रहे हैं, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर टीचर्स टू टीच एंड फॉर अदर पपिल्स टू लर्न, कि कक्षा में तुम्हारी उपस्थिति से अध्यापकों के लिए पढ़ाना और दूसरे बच्चों के लिए सीखना असंभव हो जाता है. यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर. वो क्या कहते हैं कि तुम सीखना नहीं चाहते, यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम सीखने से मना कर देते हो, टालते हो उसको, और तुम हमेशा रिबेलियन, कॉन्स्टेंट रिबेलियन यानी कि हमेशा टकराव की मनोदशा में रहते हो. मीन्स जैसा उन्होंने शुरुआत में पढ़ा था, हिस्ट्री के टीचर जब क्वेश्चन करते हैं उस पर जिस तरीके के वो आंसर करते हैं आइंस्टीन, एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कोई जब तक तुम वहाँ उपस्थित रहते हो कोई भी सीरियस वर्क जो है वो नहीं हो सकता. एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. एल्बर्ट ने महसूस किया कि डॉक्टरी प्रमाण पत्र लग उसकी जेब में छेद कर रहा था, यानी कि बेकार हो गया था, अब उसका कोई भी काम नहीं था. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उन्होंने कहा खैर अब मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ. देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन ही द हेड सेट, अब जो मुख्य अध्यापक जो थे उन्होंने कहा कि फिर कम से कम हमारे बीच में समझौता हो गया, यानी कि जो टीचर थे वो ये नहीं चाहते थे कि आइंस्टीन को वहाँ पर स्कूल में रखा जाए और ज़्यादा, तो उन्होंने आइंस्टीन से कहा कि तुम खुद से इस स्कूल से निकल जाओ ताकि हमें आपको यहाँ से निकालना ना पड़े. और आइंस्टीन तो पहले से ही निकलना चाहते थे इसलिए उन्होंने भी बोल दिया कि हम जा रहे हैं, तो टीचर ने बोला कि अच्छा है हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया. For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word. Holding his head high, he stalked out. अब एक क्षण के लिए एल्बर्ट ने ऐसा सोचा, वो एकदम से बताने के लिए उत्सुक हुए, लालायित हुए अपने हेडमास्टर को ये बताने के लिए कि वे उनके बारे में या उनकी स्कूल के बारे में क्या सोचते थे, उनकी राय क्या थी उस स्कूल और उनके जो टीचर्स थे उनके बारे में. लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को रोक लिया और बिना कुछ कहे, बिना कोई शब्द बोले, अपना सिर ऊंचा करके वो वहां से बाहर निकल गए. शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, और पीछे से जो मुख्य अध्यापक थे उन्होंने चिल्लाते हुए बोला शट द डोर आफ्टर यू, कि जाने के बाद पीछे से दरवाजा बंद कर देना. एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट ने उनको इग्नोर कर दिया. ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 माइजरेबल ईयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक. और अब वो क्या किया उन्होंने, एल्बर्ट ने, वे उस विद्यालय से सीधे बाहर चले गए जहाँ पर उन्होंने 5 माइजरेबल ईयर्स यानी कि कष्टप्रद वर्ष थे वो बिताए थे, बिना पीछे एक भी बार पलटे. उन्होंने एक भी बार अपने सर को नहीं घुमाया, यानी कि पीछे नहीं देखा किसी को भी देखने के लिए. ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, और उन्हें किसी का भी ध्यान नहीं आया, एक भी व्यक्ति का जिसे उनको गुड बाय बोलना हो, अलविदा बोलना हो. इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. वास्तव में यूरी जो कि उनके फ्रेंड हैं, वो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था उस म्यूनिक में जिसे वो वहाँ अपना जो टाउन था जहाँ वो रहते थे उसको छोड़ने से पहले वो उनसे मिलना चाहते थे, और वो उस कस्बे से भी उतनी ही घृणा करते थे जितनी वो अपने स्कूल से करते थे. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. और जो Elsa है वो भी बर्लिन वापस जा चुकी थी और उसके अलावा आइंस्टीन का कोई भी और फ्रेंड नहीं था, मीन्स यूरी और Elsa जो कि उनकी कजिन थे. गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी वेन ही लेफ्ट, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. और जब वो चलने लगे तो यूरी ने उनको
गुड बाय बोला, गुड लक कहा और उसे कहा कि मेरे विचार से तुम एक अच्छे वंडरफुल कंट्री यानी कि विस्मय कारक कंट्री में देश में जा रहे हो, मुझे आशा है कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।